नमस्ते, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ भी आप उत्सव ऑनलाइन के जो भी ऑनलाइन सेटअप है वहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ाई तो नहीं करेंगे बट कुछ विशेष जानकारी आपको देंगे। पहली चीज़ तो ये कि आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा से आप सभी जन अच्छा करें। अच्छा करने का मतलब है कि आप सभी जन मतलब को यश, कीर्ति और जो भी आप अच्छे स्थानों पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचे, और माँ की कृपा और आप सभी के माता पिता की कृपा और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। दूसरी चीज़ की जो आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम 13 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि कुछ मतलब इशूज़ की वजह से नहीं चल पाई। ठीक है, तो अब उसको हमने स्टार्ट कर दिया 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से वो सारी क्लासेज आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। उसके अलावा आपको एक बड़ी खुशखबरी ये देनी है कि हम ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में भी काम कर रहे हैं। जो हमारा सेंटर है वो है उत्सव एजुकेशन सेंटर, ओल्ड सिवली रोड, 4th स्ट्रीट, कल्याणपुर, कानपुर। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर है वो यहाँ पे स्थित है। तो हम लोग ऑफलाइन मोड में तैयार काम कर रहे हैं और इसकी पूरी अच्छी से वीडियोस आपको हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अब ये हो गई इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की थी। आज की जो वीडियोस का मेन पर्पज़ है वो भी आपको नहीं बताया गया है। मेन पर्पज़ ये है हमारे आज आपके बीच आने का, मेन पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम एक सीरीज़ ला रहे हैं। सीरीज़ क्या है कि जैसे खास तौर पे ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो कि हमारे गांव की माटी से, गांव की माटी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बिल्कुल हिंदी से जुड़े व्यक्ति हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जहाँ तक कि जानकारियाँ अच्छे मानकों के साथ नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ जो लोग इंटरमीडिएट पास होते हैं, तो इंटरमीडिएट पास होने के पहले उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि उनका प्लान क्या है, आगे वो करना क्या चाहते हैं, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है। दूसरा कन्फ्यूज़न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के होते हैं, मतलब कि मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि वो बायोलॉजी लेके इंटर में पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद उन्हें आगे कोर्स करना होता है कि मेडिकल के कौन से कोर्स करें, तो उन्हें बड़ी समस्या ये होती है कि वो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। हालांकि अगर मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें दे रहा हूँ तो नहीं, हमारे अलावा पता नहीं कितने लाख लोग हैं जो YouTube पे काम कर रहे हैं, बट हम उस चीज़ को थोड़ा और सिस्टमेटिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से मैं आपको सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर मेडिकल की जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, और जितने मेडिकल के कोर्स होते हैं, मतलब मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेडिकल के कोर्स, जैसे कि आपको नीट एग्ज़ाम है तो नीट एग्ज़ाम में कितने कोर्स होते हैं, और मैं आपको जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको समझाऊँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मैंने नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम बताया, उसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है। पेन पेपर मोड में होता है, 3 आवर का होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये मैंने आपको बताया एंट्रेंस के बारे में, नीट के बारे में। अब नीट में जो कोर्स होते हैं, जैसे मैंने पार्टिकुलर कोर्स की बात करूँ MBBS की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ MBBS की। अब MBBS का एंट्रेंस तो हमने बता दिया कि आपको MBBS में कैसे मिलेगा, आपको नीट के थ्रू वहाँ पर एडमिशन मिलना है। अब मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा किसको, MBBS में। अब मैं यहाँ पे आपको MBBS में ये बताऊँगा कि MBBS का कोर्स क्या होता है, आपको MBBS में 5 से 6 सालों में पढ़ाया क्या जाता है। ठीक है, उन 5 साढ़े 5 सालों में आपको क्या पढ़ाया जाता है, इंटर्नशिप क्या होती है। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशली मैं ला रहा हूँ उत्सव ऑनलाइन की मेडिकोस इंट्रेंस सीरीज, उत्सव ऑनलाइन की मेडिकोस कोर्स सीरीज, कोर्स सीरीज और एंट्रेंस सीरीज। इंट्रेंस इंट्रेंस सीरीज में आपके जितने भी मेडिकल से संबंधित एग्जाम होते हैं उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हिंदी में, ठीक है, पूरी जानकारी हिंदी में एक अच्छी भाषा के साथ आपको मिलेगी, वो मिलेगी उस मतलब मेडिकोस इंट्रेंस सीरीज में। जितने भी आपने सुने होंगे अभी तक पूरे दुनिया, पूरे भारत में जितने भी मेडिकल के एग्जाम होते हैं, इंट्रेंस एग्जाम, उसकी सीरीज होगी उत्सव इंट्रेंस सीरीज, उत्सव मेडिकोस इंट्रेंस सीरीज। क्या होगी, उत्सव मेडिकोस इंट्रेंस सीरीज। दूसरी क्या होगी, उत्सव मेडिकोस कोर्स सीरीज। कोर्स में जैसे भी है, जो कि आपका MBBS है, BDS है, BMS है, BHMS है, ठीक है, DMLT है, PBT है, जो भी जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, DMLT है, बाकी जो भी कोर्स है, ठीक है, वेटनरी है, जो जितने भी आपके मेडिकल के कोर्स होते हैं उस कोर्स में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, आपका सिलेबस क्या है, मैं उसकी विधिवत बात करूंगा, जिसमें आपको मैं हर कोर्स को बताऊंगा। जैसे मैं बात करूंगा MBBS की, तो MBBS में आपको बताऊंगा कि पहले सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरे में क्या पढ़ाया जाएगा, तीसरे में क्या पढ़ा। मैं बात करूंगा जैसे BSc नर्सिंग की,
तो ऐसे ही मैं समझाऊंगा आपको कि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है, कितना क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्या कोर्स होते हैं, सेकंड में क्या होते हैं, ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो दो सीरीज़ ला रहा हूँ, पहली ला रहा हूँ उत्सव मेडिकोस एंट्रेंस सीरीज़, दूसरी उत्सव मेडिकोस कोर्स सीरीज़। इसमें हर सीरीज़ में कम से कम 15 से 20 वीडियो हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। हालांकि आज देश में सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बट अगर मैं आपसे कह दूं कि नीट एग्ज़ाम है तो नीट को लोग इतना नहीं जानते। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, तो वो बीएससी नर्सिंग सर्च करता है, ना कि नीट सर्च करता है। तो मैं पार्टिकुलर नीट से लेके जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम, सभी कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम बताऊंगा और सभी कोर्स के बारे में, उनका सिलेबस क्या है, वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी कल से ही आपको सारी वीडियोज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, कल से ही आपको सारी वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि आपको सभी मेडिकल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, उनकी जो है एक मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम की और कोर्स की पूरी सीरीज़ आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जिस तरह से अभी आप लोगों ने साथ बनाया, इसी तरह आप सभी का साथ मिलता रहेगा। और आपको बताएं, जितनी भी वीडियोज़ होंगी पूरी तरह से हिंदी में होंगी, आपको पूरी तरह से कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, किसी को कि कोई समस्या हो कि आपको समझ में नहीं है, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, जो कि हमारे गांव के देहात के क्षेत्र के लोग, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज वो टाइम चल रहा, वो युग चल रहा है, आप उस युग में जी रहे हैं जहाँ मेडिकल जैसे IIT जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री कराई जा रही। बहुत से लोग होंगे, बहुत सारे लोग आज के YouTube के टाइम में बहुत से लोग कह रहे हैं आपसे कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्री में नहीं पढ़ा रहे, वो आपसे कुछ ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, उत्सव ऑनलाइन आपको पूरी तरह से, आज आप आज की डेट नोट कर लीजिए, आज 7 अक्टूबर है, और आज से, ठीक है, आज से आपके, मतलब 3 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, और इसके पहले भी हमने कभी कुछ नहीं कहा। तो आपको जितने भी, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम हो चाहे JEE के एग्ज़ाम हो, पूरी तरह से आपको, पूरी तरह से फ्री होंगे, आपके लिए टेस्ट सीरीज़ फ्री होगी, हमारे वीडियोज़ फ्री होंगे, किसी प्रकार का कुछ नहीं, आपका डाउट सेशन होगा, हम टाइम टाइम पे लाइव सेशन भी लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयारी करें और बिल्कुल फ्री है, पूरी सेवाओं का लाभ लें। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो आज हर आदमी ख्वाब देख सकता है डॉक्टर बनने का, ठीक है, पहले चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन मोड में काम होना स्टार्ट हुआ है, बहुत आसान हो गई हर चीज़ें। तो अब क्या है कि हर काम को बड़ी तरीके से किया जा सकता है, समझ रहे हैं आप। तो बिल्कुल जो है, जो आदमी सोच सकता है कि, मतलब जैसे आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बने तो वो अगर यहाँ आए तो उसको हर चीज़ पता चले कि डॉक्टर किस किस टाइप के डॉक्टर बनाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्टरों का लेवल है, ठीक है, सबसे सीनियर डॉक्टर क्या होता है, उसके बाद जूनियर, मतलब पढ़ाई किस किस क्षेत्र में होती है, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन सी पढ़ाई होती है, कितने कोर्सेज होते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो मैं पर्सनली आपको सारी वीडियोस बना के आने वाले टाइम में अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही साथ बनाए रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो जो भी लोग, जो भी और आपकी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, हमारी ईमेल आईडीज़ में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो कानपुर के लोग हैं, स्पेशली जो कानपुर के लोग हैं, वो हमसे ऑफलाइन, मतलब डायरेक्टली मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो और आप काम करते रहें, ठीक है। तो आज की खानी में यहीं तक, मिलते हैं फिर उत्सव, पहले क्या होगा स्टार्ट करेंगे उत्सव मेडिकोस इंट्रेंस सीरीज, उसके बाद हम क्या करेंगे उत्सव मेडिकोस कोर्स सीरीज, ठीक है। तो मिलते हैं कब, कल, कल की कहानी में क्या होगी उत्सव मेडिकोस इंट्रेंस सीरीज, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।